जो माल रोड है ना ये माल रोड नहीं थी इसका नाम माल रोड नहीं था ये अठारह में ये शुरू हुई है अंग्रेज ने यहाँ पे जो मैं ये समझता हूँ जो एक स्ट्रेटी इवॉल्व की उसमें पहली स्ट्रैटी जो थी वो थी कलोनियल एजुकेशन की मैं इस आर्किटेक्ट इस इस आर्किटेक्चर में और इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मैं एक लोकल रेजिस्टेंस के एलिमेंट को देखता हूँ मैं इसमें ब्रिटिश डोमिनेशन कम देखता हूँ आज थैंक यू वेरी मच आप एक बार फिर हमने आपको दावत दी तो आपने वक्त निकाला हमारे साथ आप मौजूद हैं आज दोबारा आपसे लाहौर के बारे में बात करेंगे आपसे जानेंगे कि कलोनियन लाहौर जो है उसके बारे में आ, कौन सी ऐसी कॉलोनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ थी जो उन्होंने फॉलो की तो लास्ट जो हमारी गुफ्तु थी उसमें आपने ये बताया कि किस तरह से रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर हुकूमत कर रहा था तो यहाँ पे क्योंकि रंजीत सिंह की हुकूमत चल रही थी तो हम देखते हैं तारीख़ में कि रिलेटिवली काफ़ी देर के बाद लाहौर कॉलोनाइज़ होता है तो क्या रीज़न है कि लाहौर को कॉलोनाइज़ करने में बरतानिया को काफ़ी वक्त लगा बहुत शुक्रिया आसिम आपका आपने मुझे इनवाइट किया कॉलोनियल लाहौर पर बात करने के लिए या ब्रिटिश लाहौर पर बात करने के लिए फॉर देट मैटर जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज़ जो है उसका जो इन्फ्लुंस था वो लाहौर के इर्द गिर्द वो मौजूद थे अगर आप इसको लाहौर को सतलुज के इस साइड पे जिस लाहौर है यहाँ पे तो रंजीत सिंह था लेकिन सतलुज रिवर सतलुज की दूसरी साइड पे जो सिखों की रियासतें थीं वो अंग्रेज़ों के जरिए असर थी सही तो उस हवाले से एक एग्रीमेंट था बिटवीन रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश के रंजीत सिंह जो है वो सतलुज क्रॉस करके तो वो जो सिखों की रियासतें हैं उनमें वो मुदाखलत नहीं करेगा इंटरवीन नहीं करेगा कहा जाता है कि एक मैप रंजीत सिंह को दिखाया गया जिस पर रेड डॉट्स थे सही तो रंजीत सिंह ने पूछा कि ये रेड डॉट्स जो हैं क्या इंडिकेट करते हैं तो उसे बताया गया कि ये वो एरियाज़ हैं जो अंग्रेज़ों के ज़ेर तसलत हैं या जेर असर हैं तो रंजीत सिंह ने फ़ौन कहा कि बहुत जल्द यह सारा एरिया जो है यहाँ पे सुर डॉट्स रेड डॉट्स आपको नज़र आएंगे तो आ, हो सकता है कि उसके जहन में हो कि उसकी डेथ के बाद सिख जो हैं वो शायद अंग्रेज़ों का मुकाबला ना कर सकें जो एक, एक आप क्योंकि ये आपको पता है कि जो एम्परलिस्ट होता है जो कॉलोनाइज़र होता है खासकर जो एम्पेरलिस्ट हैं उनके उनमें एक डिज़ायर होती है एक्सपेंशन की और दूसरे इलाकों को जेरअसर ला, लाने की तो बहरहाल एक तो ये बात है दूसरी बात यह है कि रंजीत सिंह ने जो क्रेडिट रंजीत सिंह को जाता है सेवनटीन नाइनटी नाइन में ही ऑक्योपाइड लाहौर और ही डाइड इन एटीन थर्टी नाइन दि नेक्स्ट टू प्लेस इन एटीन फोटी नाइन ये जो टेन ईयर्स हैं ये सिविल वॉर है सही जिसमें ज़्यादा बर्बादी आई है रंजीत सिंह के, के किंगडम में तो उसमें रंजीत सिंह ने यहाँ पे एक सिस्टम दिया और वो जो जब तक आप एक सिस्टम नहीं देते उस वक़्त तक वहाँ पे किसी किस्म का कोई कोई प्रोग्रेस कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं आ सकती तो सब तक तो, सबसे बड़ा क्रेडिट तो उसका ये है कि उसने एक सिस्टम दिया और उसने आर्मी को एक मॉडर्न लाइंस पे उसने उसको ट्रेनिंग दी जिसमें उसने फ्रेंच जो जनरल्स थे वेंटूरा और पैलाट इन जैसे लोग यहाँ पे आए हुए थे जो निपोलियन बोनापार्ट की फ़ौज का हिस्सा रहे थे और जो वाटर पे उसको 1815 में शिकस्त हुई है उसके बाद वो जो लोग थे वो उसके जो सोल्जर्स थे उनमें से ये लोग इधर आ गए तो मॉडर्न लाइंस पे जो ट्रेनिंग थी सिख आर्मी की वो यहाँ पे उसने उसको दी एक ये भी एक वजह थी कि अंग्रेज़ नहीं चाहता था कि अजीत सिंह के साथ वो क्लैश कर सके तो ये दो एक वजूहत मेरी समझ में आती हैं कि उन्होंने इमीडिएटली इस पर कब्ज़ा नहीं किया सही तो आप क्या समझते हैं कि जब हम तारीख देखते हैं तो कब अंग्रेज़ यहाँ पर आया लाहौर को किस तरह से उन्होंने कॉलोनाइज़ करना शुरू किया और जो उनकी स्ट्रेटजीज़ थी उनमें सबसे बड़ी सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या थी लाहौर को कॉलोनाइज़ करने देखिए जी जो कॉलोनाइजेशन होती है उसका जो पहला स्टेप है वो फिज़िकल ऑक्योपेशन है कि आप उस इलाके को फिज़िकली ऑक्युपाई करते हैं और जब फिज़िकल ऑक्युपेशन होती है उसके बाद आपकी स्ट्रेटी होती है कि उस ऑक्यूपेशन को उस कब्ज़े को आपने स्ट्रेंथन करना है और को लॉन्ग करना है उसके लिए एक वो स्ट्रेटजी इवॉल्व करते हैं जो कॉलोनाइज़र है अंग्रेज़ ने यहाँ पे जो मैं ये समझता हूँ जो एक स्ट्रैटी इवॉल्व की उसमें पहली स्ट्रेटी जो थी वो थी कलोनियल एजुकेशन की के, आ, आप फौज इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री इस्तेमाल करते हैं तो आप लैंड को ओक्योपाई करते हैं जब आप आ, कलोनियल एजुकेशन यहाँ पे किसी भी जगह पे जब, जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टमेटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डिसप्लनड इंस्टीट्यूशन के हवाले से तो यू ऑक्युपाई माइंड ऑफ द पीपल तो माइंड की ओक्योपेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी के लैंड की ऑक्युपेशन है और so ये माइंड फर्स्ट फर्स्टनाइज फर्स्ट इज फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्यूपाई द माइंड ऑफ द कॉलोनाइज अब उसकी उसको ऑक्यूपाई कैसे करना है मतलब उसको माइंड सेट को चेंज करना है

के उसमें प्राइमरी एजुकेशन भी है सेकेंडरी एजुकेशन भी है कॉलेज लेवल की भी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल की भी एजुकेशन है अठारह एटीन एटी टू में यूनिवर्सिटी बन गई एटीन एटी सिक्स में एच एस एम कॉलेज बन गया और एटीन सिक्सटी फोर में गवर्नमेंट कॉलेज बन गया ठीक है जी और एटीन सिक्सटी फोर में ही एफ सी कॉलेज बन गया और इसके अलावा जो बच्चों के स्कूल थे यूरेशियन यूरोपियन बच्चों के स्कूल जिसमें पहला जो स्कूल था वो उन्होंने लाहौर फोर्ट में बनाया और उसमें 44 के करीब स्टूडेंट्स थे जिसमें 20 लड़कियां थीं सही तो इस तरह से उन्होंने इसको इसको इसका आगाज़ किया और आ, सिलेबस अगर हम देखें जो उस वक्त के एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाया जा रहा था उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसने हेल्प किया कि वो यहाँ के लोगों के माइंडस को कॉलोनाइज़ कर सकें यह एक वेल प्लान स्ट्रेटजी थी जिसमें अंग्रेज़ ने जो बाद में पता लिटनर जो बाद में गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल बना उसका बड़ा एक्टिव और पॉजिटिव रोल है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो रोल क्या है कि उसने यहाँ पे जो ओरिएंटल जो, जो सब्जेक्ट्स थे जो मजामी थे जो ओरिएंटल लैंग्वेज थी उसको भी फोकस किया और ओरिएंटल कॉलेज औरटल स्कूल और बाद में ये जो औरटल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो वर्नैकुलर को प्रमोट करना उसके पीछे भी एक मकसद था जैसे हम जैसे अभी हम बात करें ना एक स्ट्रेटजी है उसके पीछे भी एक मकसद था वो मकसद ये था कि जो आलूम जो ईस्ट के हैं और जो ओरिएंटल लैंग्वेज में वर्नाकुलर में अवेलेबल हैं उसके बारे में इल्म हासिल किया जाए और सबसे अहम बात ये है कि जो उनके अपने आलू हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए वर्कुलर लैंग्वेज में ताकि वो लोगों तक पहुंचे बिल्कुल सही उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया लोकल लैंग्वेज में और उसका सेंट्रल लुधियाना था प्रिंटिंग प्रेस ने अंग्रेज की बड़ी हेल्प की है सही जो वो जो आ, किताबें प्रिंट करते करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते रहे फिर एक मजे की बात है कि इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर ये वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता था एज सब्जेक्ट बिल्कुल सही उससे उससे पहले ये सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश लिटरेचर एज सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे पढ़ाया गया वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया अगर आप चर्चल की एक स्टोरी है जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ईयर अट्हैरो जी माय री लाइफ उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसपे उसको लिटरेचर नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है उसको आप देख लें उसमें वहाँ पे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कहते हैं जी वो लैटिन पढ़ते हैं और क्लासिकल लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ते हैं और जो कुंद जैन है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं लिटरेचर है। की बात नहीं करता वो बिल्कुल ऐसे ही तो लिटरेचर यहाँ पर पढ़ाया गया तो इस ये बड़ा अहम है आप जो आ, मिशनरी एजुकेशन है उसमें जो मिशनरी आ, आपको स्कूल कॉलेज नजर आते हैं उसमें चर्च भी है उसमें इंस्टीट्यूशन भी है और उसमें हॉस्पिटल भी है सही तो वो क्या करते थे कि चर्च एंड द स्कूल और द कॉलेज दे शेयर द सेम बिल्डिंग ये भी उनका अच्छा फिर उन्होंने क्या किया जब हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की तो ये एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट कर रहा है जिसमें वैल्यूज़ हैं क्या वैल्यूज़ हैं चैरिटी क्या वैल्यूज़ हैं सिंपथी क्या वैल्यूज़ हैं कंसिड्रेशन ऑफ अदर्स जो लोग गरीब हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है कपड़े नहीं है ये इस तरह वो चैरिटी ये लोगों को वो इस काम में वो लेके आए तो इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को इसके साथ लिंक किया और अपना जो मकसद है वो हासिल किया तो ये एजुकेशन की जो स्ट्रेटजी थी अच्छा जो एजुकेशन जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना जी वो डिस्टेंस एक क्रिएट करती है वो आपकी हिस्ट्री उसको टार्निश करती है वो आपके कल्चर को डिस्टॉर्ट करती है जो कलोनील एजुकेशन है और वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करती है वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करती है और कलोनील एजुकेशन का मतलब हरगिज एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएट करना प्रोड्यूस करना नहीं है कलोनील एजुकेशन का मतलब है कि आप एब्जॉर्ब करते हैं जो मेट जो आपका जो मेन कल्चर है जो इंग्लिश कल्चर है उसमें आप लोगों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग या या उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें दे आर नॉट फ्री एंड इंडिपेंडेंट ये बड़ी अहम बात है बिल्कुल सही है इज इज द मेन टारगेट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन और फिर दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट uh, क्रिएट करते हैं थ्रू देयर एजुकेशन कॉलोनियल एजुकेशन जो मिमिक करें मास्टर को कॉलोनाइजर को उनकी हैबिट्स को उनके कल्चर को द वे दे स्पीक उसको वो मिमिक करें उनके बाश को मिमिक करें दैट इज वट वी आर डूइंग दैट इज वट वी आर डूइंग टूडे हाँ ये ये यही वो क्रिएट करते हैं ना दे दे बिन वेरी सक्सेसफुल लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो ममिक्री है वो आगे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू टू जब मिमिक्री मौकरी में ट्रांसफॉर्म होती है तो कॉलोनाइजेशन और कॉलोनाइजर का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है डिसरप्ट हो जाता है सही इसको अब गोरा कैसे मेंटेन करता है या किया उसने ये उसकी एक और स्ट्रेटेजी थी सही अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि एजुकेशन की एक स्ट्रेटेजी उन्होंने इस्तेमाल की टू कॉलोनाइज द माइंड्स ऑफ पीपल पर्टिकुलरली इन लाहौर एंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट टू नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या यही सोल स्ट्रेटजी थी या इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी थी जो उन्होंने अडॉप्ट की कॉलोनाइज करने के लिए नहीं जी सबसे पहले तो उन्होंने जैसे भी मैंने अरजीत सिंह की बात की कि उसने एक सिस्टम दिया एडमिनिस्ट्रेशन का तो अंग्रेज़ ने भी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम दिया सही उस, उसने एक बोर्ड बनाया जी उस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कहलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर वो जो बंदे बड़े अहम थे वो एक था कर्नल हैंनरी लॉरेंस और एक था उसका भाई जॉन लॉरेंस और एक था माउंट कुमरी जो और ये माउंट कुमरी और लॉरेंस दोनों बाद में लुफ्टेन्ट गवर्नर बने हैं पंजाब के दे ये तीन बहुत अहम लोग हैं और जो मज़े की बात है जो जॉन लॉरेंस है वो मैकलेगन एक लुफ्टेन्ट मैगलैगन था जो सिखों के ख़िलाफ़ लड़ा था अंग्रेज़ था ये उसका बेटा था सही ये उसका बेटा था तो हैंनरी कर्नल था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे तो उन्होंने एक बोर्ड दिया जिसमें पॉलिटिकल, जुडिशल और फाइनेंशियल ये तीन मेजर आस्पेक्ट फील्ड होते हैं एरियाज होते हैं ये तीनों को उन्होंने कैटर किया के। इसके बाद उन्होंने क्या किया आज भी हम लोग एस्पायर करते हैं जिस सी एस एस करना है और जनाव सिविल सर्विस में जाना है और ए बनना है और डी बनना है हाँ। कमिश्नर बनना है अंग्रेज ने ये सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है ये जो स्ट्रक्चर है जो हरारकी ऑफ़ पावर है ये इंट्रोड्यूस की है और मज़े की बात है कि ये सिस्टम इंग्लैंड में नहीं था अच्छा ये सिर्फ स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इस रीजन के हवाले से उन्होंने सिस्टम को इवॉल्व किया और बड़े सक्सेसफुल थे डीसी के पास बड़ी पावर थी वो कोर्ट्स भी रन करता था वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था पुलिस का आईजी उसके सामने बैठा हुआ होता उसके सबॉर्डिनेट था वो और रेवेन्यू कलेक्शन उसको भी वो ओवरसी करता था सो ही हैड ऑल पावर तो ये जो स्ट्रक्चर था ये अंग्रेज ने यहां पे किया है इंट्रोड्यूस किया है और इसके थ्रू कंट्रोल अलमिया ये है कि ये स्ट्रक्चर आज तक चलता आ रहा है जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन हैं, उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ही ये बचती है कि वो इस स्ट्रक्चर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर किसी तरह से घुस जाए पावर है ना ताकि वो पावर को इनजॉय कर सके अच्छा इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना उसमें एक बात मेरे जहन से निकल गई थी जब आप हम एजुकेशन की बात कर रहे थे वो पावर और नॉलेज का जो रिलेशनशिप है जी जी तो एक तो एजुकेशन ये है कि आपने यहाँ पर नेटिवस को एजुकेट करना है अपनी अपने हवाले से अपने कल्चर के हवाले से अपनी माइंड के हवाले से अपने रिलीजन के हवाले से और वो वैल्यूज़ इनकल्केट करनी है जो आपके लिए सोटेबल है दूसरी बात यह है कि लैंड और लोगों के बारे में नॉलेज हासिल करना वो बहुत ज़रूरी है किस किस्म का लैंड है किस कस, किस किस्म के लोग हैं इनके करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं क्या खसूसियात हैं तो जब ये नॉलेज आपको मिलती है तो आप फिर कन्वीनियनटली उनके ऊपर रूल कर सकते हैं तो ये जो आपने बात की ना कि नॉलेज पे उन्होंने बड़ा फोकस किया है यहाँ की लैंड के बारे में यहाँ के जो फोक्स हैं उनके बारे में तो इस पर तो फिर आज बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं कि जी देखें वो इतना काम कर गए हैं आपके बारे में यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन वो दे गए हैं आज भी जो रिसर्च है वो ज़्यादा गोरा ही कर रहा है चिट्ठी चमड़ी वाला ठीक है तो क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें वाकई उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए देखिए मज़े की बात है और यह हकीकत है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना वो यूरोसेंट्रिक है सही जो भी इल्म है जो भी है वो टेक्नोलॉजी वो यूरोप से फ्लो होती है और वो, वो टेक्नोलॉजी यूरोप वाले या अमेरिकन जो हैं वो बड़े कन्वीनिएंटली हमें ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि इसके पीछे उनकी जो मेहनत है और जो उनके अजायम है वो सबको मालूम है तो फोटी सेवन के बाद जब वन वी आर फ्री तो अनफॉर्चुनेटली हमने उसी स्ट्रक्चर को उसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को उसी सोशल स्ट्रक्चर को हमने कंटिन्यू रखा है उसी जुडिशल सिस्टम को हमने कंटिन्यू रखा है hmm. ठीक है जी अगर अंग्रेज़ के ज़माने में गर्मियों की छुट्टियों में कोर्ट बंद रहते थे तो कोर्ट आज भी बंद रहते हैं hmm. वो तीन चार पाँच लाख जो मुकदमा पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं सही राइट तो वो उस सिस्टम को हमने कंटिन्यू रखा hmm. बजाय इसके कि हम एक सिस्टम इवॉल्व करते ग्रेजुअली जो इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको अप्रूव कर दें वो हो नहीं सकता और ये इसलिए नहीं हो सकता कि गोरे ने भी नहीं किया अंग्रेज़ ने यहाँ पे मुगल सिस्टम जो था रेवेन्यू का और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का और उनकी जो इकोनॉमी थी और इवन उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको कंप्लीटली अपरूट नहीं किया उनके जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे उनको कंप्लीटली नेगेट नहीं किया बल्कि उनको डेवलप किया उनको आगे लेके वो गए हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चेंज किया मॉडिफाई किया ये हमें करना चाहिए तो हमने नहीं किया नहीं ये यहाँ से जो मैं एक पॉइंट समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर बरतानिया भी यहाँ पे आया तो जो उन्होंने भी यहाँ पे जो नॉलेज मौजूद था यहाँ के लोगों के बारे में जो पिछली तारीख चलती आ रही थी उन्हीं चीज़ों को सामने रख के और साथ उनकी जो कलोनील माइंड था उसको सामने रख के नए सिस्टम्स इवॉल्व किए तो शायद अगर इसी फॉर्मेट को हम अपने सामने रखें तो हमें भी अपना नॉलेज मजबूत करके तो फिर अपनी स्ट्रेटजीज और अपने सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए हाँ जी उसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ कि हमने फेस किया और हम वी आर स्टिल फेसिंग दैट द सेम प्रॉब्लम वो ये है कि गैप आ जाता है ना एक साल का सौ साल का जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया जैसे मैंने कहा फोर्टी की यह है फोर्टी में हमें आज़ादी मिल गई नाइन्टी एट ईयर्स वो जो गुलामी का हमें नजर आते हैं अब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया गुलामी का लेकिन आप आ, किसी बुजुर्ग से पूछें अभी भी हैं माशाल्लाह हयात हैं हमारी सोसाइटी में गाँव देहात में लोग जो हैं वो नाइन्टी नाइनटी प्लस के भी हैं उनसे आप पूछें अंग्रेज़ का दौर नहीं बड़ा चंगा सी भई वो तो गुलामी का दौर था तो बड़ा चंगा दौर कैसे हो गया सही वो यही कहते हैं जी अंग्रेज़ का दौर बड़ा चंगा सी क्यों और इंसाफ मिल रहा ये जुडिशल सिस्टम ठीक है जी वो दौर बड़ा चंगा लॉ एंड ऑर्डर बड़ा पक्का सी रोटी जाती जा ठीक है तो ये वो बात है जो अभी हम कर रहे हैं कि उन्होंने माइंड को कैसे चेंज किया है लोगों के सही अगर वो गुलामी का दौर था तो उसके ख़िलाफ़ हमने तो आज़ादी की जंग लड़ी है बिल्कुल सही बात कुर्बानियाँ दी हैं तो दे कैप्चर द माइंड सही और दूसरी बात रेजिस्टेंस की बड़ी अहम है जी जो जिस दिन कॉलोनाइजेशन होती है ना जो उसी दिन से रजिस्टेंस शुरू हो जाती है वीक होती है ऑर्गेनाइज नहीं होती और उसकी पहली जो शक्ल है वो एक आम स्ट्रगल की शक्ल में आपको सामने नज़र आती है क्योंकि पेरियलिस्ट फोरस के पास ताकत होती है टेक्नोलॉजी होती है वो ग्रेजुअली उसको क्रश कर लेते हैं उसके बाद जो स्ट्रगल उसके बाद जो रिजिस्टेंस उसकी शक्लें बदलती रहती हैं आपने अभी आर्किटेक्चर की बात की थी थोड़ी देर पहले तो लाहौर का आप आर्कीटेक्चर देख लें कॉलोनाइजेशन इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड और ये डिस्टेंस भी होता है दोनों में कुर्बत भी होती है क्योंकि कॉलोनाइजर बगैर असिस्टेंस के कॉलोनाइज्ड की नेटिव्स की असिस्टेंस के बगैर हुकूमत कर नहीं सकता बिल्कुल इसका मतलब है कि एन अदर स्ट्रेटजी टू कॉलोनाइज इज आर्किटेक्चर ठीक है और अगर हम लाहौर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें आपने अभी कुछ नाम लिए थे माउंट गोमरी लॉरेंस तो ये सारी रोड्स के नाम अभी तक वही चलते आ रहे हैं ठीक है और फिर जो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं मॉल रोड है फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं वो सारी की सारी उसी दौर से चलती आ रही हैं तो वो आज भी ये नाम और ये बिल्डिंग्स क्या हमें यही मैसेज देती हैं कि वी वर वंस कॉलोनाइज और इनके खिलाफ भी कोई हमें रेजिस्टेंस करनी चाहिए आ, या इनको कैरी करना चाहिए मेरा एक अपना एंगल है इस स्ट्रक्चर को देखने का जी ब्रिटिश स्ट्रक्चर को देखने का मैं इस आर्की इस आर्किटेक्चर में और इस बिल्डिंग uh, स्ट्रक्चर में मैं एक लोकल रेजिस्टेंस के एलिमेंट को देखता हूँ मैं इसमें ब्रिटिश डोमिनेशन कम देखता हूँ मैं इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं देखता कंप्लीट डोमिनेशन नहीं है ठीक है वो एक स्ट्रक्चर एक इम्पोजिंग आप ऐसा लगता है जैसे मतलब आप फील uh, करते हैं कि यू आर सो वीक ठीक है यू आर सो लिटल वो एक अलग बहस है लेकिन मैं इसके अंदर एक रेजिस्टेंस के एलिमेंट को पढ़ता हूँ सर गंगाराम का नाम आपने सुना है जी लोकल इंजीनियर था जी भाई राम सिंह का नाम आपने सुना है जी वो एक लोकल इंजीनियर था लाहौर के अंदर मॉल रोड पे एक आध बिल्डिंग को आप छोड़ दें जी। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर अगर ब्रिटिश या इंग्लिश आपको नजर आएंगे ना आर्किटेक्ट उसके साथ ये लोग भी आपको नजर आएंगे तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ नेटिव एंड ने फॉरन आर्किटेक्चर तो इसमें इसमें मैं एक ये एक रिजिस्टेंस का एलिमेंट मुझे नज़र आता है जो बिल्डिंग्स आप मॉल रोड पे देखते हैं अब ये जो बिल्डिंग्स हैं इसमें इनका स्ट्रक्चर आपको बड़ा मुझे जो स्ट्रक्चर फैसिनेट करते हैं जो म्यूजियम का स्ट्रक्चर है इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर और एक जो मुझे स्ट्रक्चर फैसिनेट करता है वो रेलवे स्टेशन का लाहौर रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर है कोर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग तो इसमें अच्छा हाई कोर्ट मज़े की बात है कि हाई कोर्ट और ये ख़ास कर ये जो एचसन कॉलेज की हमने पहले बात की थी उसका नाम पहले चीफ कॉलेज था तो क्योंकि लॉर्ड एचसन यहाँ पर लफ्टीनेंट गवर्नर था तो गवर्नर जनरल जो था उसने कहा जी कि इसी के नाम पे इसको कर दिया जाए और इसका जो पहला प्रिंसिपल था वो जनरल ब्लैक था महरे हाल एटीन एटी सिक्स में ये यह बिल्डिंग यहाँ पर और जो अम्बाला से चौदह पंद्रह वार्ड्स जिसे हम कहते हैं वो ले गया है यहाँ पे टू बिगिन विद इस इंस्टीट्यूशन का जो आगाज़ हुआ है और उसमें कि दो तीन मुसलमान थे बाकी सिख थे और हिंदू थे इनको यहाँ पे दो तीन जो कहते हैं ना बंगले किराए पे लेकर रखा गया जो मेकलो रोड पे थे सही तो कमिंग बैक टू दैट वो जो स्ट्रक्चर में आप देखें जो उसके गुंबद हैं जो उसकी आर्चीज़ हैं जो उसकी जालियाँ हैं संग मरमर की वो उसको शायद नुशारा मार्बल भी कहते हैं वाइट मार्बल को वो वो इन्फ्लुएंस है वो डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर है जो स्पेन के मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और वो स्पेन में ये बड़ा पॉपुलर था सही तो वो एलिमेंट भी यहाँ पे है सही गोथिक स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश का है जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कहा जाता है जी तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारी एक अमलगमेशन है तो मैं ये समझता हूँ कि आर्किटेक्चर के अंदर एक लोकल रेजिस्टेंस का एलिमेंट शामिल है जो लोकल इंजीनियर्स के थ्रू हमें नजर आता है जो नेटिव है वो पैसिव नहीं है नहीं, नहीं उस दौर है। में भी नहीं था ना बिल्कुल नहीं था सही वैसी बात नहीं है अगर आप पोलिटिकल लाहौर को देखेंगे बाद में तो खैर वो एक अलग आस्पेक्ट है तो ये आप देख लें आ, हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है तो इसमें आपको जो इसका भी वही आर्किटेक्चर है जिसकी जो जालियां हैं इसका जो मार्बल लगा हुआ है वो सारा लोकल इन्फ्लुएंस है तो यही चीज़ हमें मुगल्स में भी नज़र आती है जो मुगल आर्किटेक्चर है वो भी एक कम्बिनीशन है सही लोकल एंड दी फॉरेन तो उसी को अंग्रेज़ में आके वही चीज़ हमें आके नज़र आई है पहली जो बिल्डिंग है ना जी वो बड़ी मज़े की बात है कि एटीन में जी लॉरेंस हॉल बना और 1864 में गालबन या फाइव में माउंट कमरी हॉल बना जिसको आज कल हम जना लाइब्रेरी कहते हैं जी जो लॉरेंस हॉल है वो फेस करता है माल को सामने गवर्नमेंट हाउस है जी जो अब जिसको आप गवर्नर हाउस कहते हैं वो पहले गवर्नमेंट हाउस था अंग्रेज़ के दौर में जो लॉरेंस के अंदर फेस कर रहा है वो माउंट कमरी हॉल है दोनों को ज्वाइन किया गया है जो लॉरेंस हॉल है वो एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रिटिश सही वहाँ पे कोई लोकल आदमी सरदार हो नवाब हो वो वहाँ पर नहीं जाता था उसको वो इन्वाइट ही नहीं करते थे उनके अपने फंक्शन थे और जब माउंट कॉमरी हॉल है ये मिक्स था सही यहाँ पे लोकल नवाब सरदार जिनको अंग्रेज़ ने ख़ुद प्रमोट किया हुआ था उनको लैंड दिया हुआ था उनको जॉब्स दी हुई थी किसको ऑनररी किसी बच्चे को इनके उन्होंने ऑनररी कर्नल बनाया हुआ था मजिस्ट्रेट बनाया हुआ था ताकि उनका भी एक इन्फ्लुएंस कायम रहे लोकल लोगों के ऊपर तो वो ये पहली बिल्डिंग है लाहौर के अंदर जो हमें नज़र आती है बाकी बिल्डिंग्स तो आप आपने बता दिया मॉल रोड पे। अच्छा एक और आ, मज़े की बात है कि टू तो बिगिन विद अंग्रेज़ ने जो मुग़ल आर्किटेक्चर था जो डिज़ाइन था उसको ही इस्तेमाल किया फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अनारकली का मकबरा है ये सेंट जेम्स चर्च बना इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि वो क्रॉस लगा दिया तो यहाँ पर चर्च सर्विस शुरू हुई इससे पहले चंद हवेली के अंदर चर्च सर्विस शुरू हुई फिर ये कैथेड्रल चर्च बन गया तो फिर वो सर्विस बंद हो गई तो थोड़ी सी इनको मॉडिफाई करके इसको अल्ट्रेशन और्टरे, के साथ इन बिल्डिंग्स को उन्होंने इस्तेमाल किया इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया फिर इसी को फॉलो किया सो हम यहाँ से एक प्रिंसिपल ये उठा सकते हैं कि क्योंकि जो कॉलोनाइज़र था उसने भी जो उससे पहले मौजूद आर्किटेक्चर था उसको बिल्कुल नलेफाई नहीं किया रिजेक्ट नहीं किया रिजेक्ट नहीं किया हाँ बल्कि उसको कैरी किया है तो शायद हम भी उसी में मजीद बेहतरी करके उसको कैरी कर सकते हैं अच्छा अपार्ट फ्राम ऑल दी स्ट्रेटजीज़ दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जब हम पोलिटिकल साइड ऑफ लाहौर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो यूनिस्ट पार्टी है या हरारी हैं या खाकसार हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं उसके मुकाबले में जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी यहाँ पर कदर बाद में अपना असर शो कर पाती हैं इसकी आप क्या रीज़न देखते हैं कि क्यों इस तरह की जो पार्टीज थी वो यहाँ पे ज़्यादा मकबूल थी इससे पहले एक और आपने जो बात कही थी वो रोड्स की बात कही थी वो बीच में उसका थोड़ा समय जी 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 पहले उस पर बात जो माल रोड है ना जी ये माल रोड नहीं थी इसका नाम माल रोड नहीं था ये अठारह सौ इक्यावन में ये शुरू हुई है और ये डायरेक्ट लिंक था मियाँ मिर जहाँ पे इन्होंने अपनी छावनी गौरव ने शिफ्ट की फ्रॉम अनारकली तो ये वहाँ से ये 49 50 में शिफ्ट किया उन्होंने तो 51 में यहाँ से एक रोड बनाई कर्नल नेपियर से ये इसने डिज़ाइन की ये रोड बनाई और ये साढ़े दस हज़ार के करीब इसके ऊपर ख़र्चा हुआ था उस ज़माने में तो ये एक डायरेक्ट लिंक था इसका नाम माल रोड नहीं था माल रोड जो थी ना वो कचहरी से ये जो चिबुर्जी राउंड अबाउट होता था ना पहले जी जी वहाँ तक थी वो माल रोड थी सही ये नहीं थी माल रोड और आगे पूछ हाउस है पोंच हाउस जो है ना जॉन लॉरेंस उसकी रिहाइश गाह थी एक रवायत के मुताबिक जो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी बाकी लोग उसको नहीं तस्लिम करते तो ये जो गवर्नमेंट हाउस अभी मैंने बात की आपसे ये लॉरेंस रोड कहलाता था से, और गवर्नमेंट हाउस से जो आप गवर्नर हाउस से आप समझ लें अनारकली तक ये डोनल्ड टाउन था डोनल्ड टाउन जो डोनल्ड डोनल्ड मैकलोड जो जहाँ पे था लेफ्टेंट गवर्नर उसके नाम पे था डोनल्ड टाउन तो ये वो उसके बाद आप देख लें ये अ, अर्जिटन रोड ये डीसी रहा है बाद में लिफ्टींट गवर्नर भी बन गया और थॉटन रोड है वो सिविल सर्विस में था और इसके अलावा अर्जिटन रोड है सॉरी ये रॉबर्ट्स ये जुडिशरी में थे ये लोग थे फिर मैकलोर रोड है अभी डोनल्ड मैकलोर का मैंने नाम लिया है देवर इधर सिविल सर्वेंट्स लिटन रोड है दे मैनी रोड्स देवर इधर सिविल सर्वेंट्स और लफ्ट गवर्नर और वायस रॉय तो ये एक तो ट्रिब्यूट पेश किया गया है उन लोगों की जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया यहाँ आके हुकूमत की और मतलब मेरा मतलब है जो आ, उनको प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन हॉस्टाइल थी इतनी फेवरेबल तो नहीं थी हमारे यहाँ पर जो कंडीशन है तो ये एक ग्लोरीफाई भी करता है ब्रिटिश कलोनीलिज़म uh, को और दूसरा जो रोड कम्युनिकेशन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम रेलवे स्टेशन की बात की थी तो ये आपको मॉडर्नाइज कर रहा है लेकिन इसके पीछे वंस अगेन वही स्ट्रैटेजी है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल है जी। वो थ्रू रेल एंड रोड वो सी पोर्ट तक जाना है वहाँ से शिप आउट होगा मैनचेस्टर और लंदन, तो so, ये रोड की कम्युनिकेशन और रेलवे ट्रैक जो था इसके पीछे भी ये एक स्ट्रेटी थी सही ये किस तरह से इसने कॉलोनियल पर्पस को सर्व करना है सही थ्रू रोड एंड रेलवे जो ये अफगानिस्तान की तरफ जो पीछे जो ग्रेट गेम रशिया की तरफ हो रही थी वेपन्स की सप्लाई ये रेलवे ट्रैक प्राइमारेली तो उस मकसद के लिए था बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक अच्छा अभी आपने तो बात तो की आप, थी वो पोलिटिकल जी जी हाँ उस पर आते हैं देखें जी यूनिस्ट पार्टी अर्बन और रूरल जो एलिमेंट है उनका कम्बीशन था ये अंग्रेज का कमाल है सही कि उन्होंने इसमें सर फजल हुसैन का बड़ा मेजर रोल है जी और इसके अलावा छोटू राम ये हिंदू जो यहाँ पे तो ये तो उनका एक था फिर इसकी यहाँ पे हुकूमत कायम रही और सर सिकंदर इसके अलावा अभी आपने बात की थी खाकसार और औरार ये एंटी पेरलिस्ट थे यूनिस्ट प्रोपेरलिस्ट थे जी और ये एंटी पेरलिस्ट पोलिटिकल पार्टीज ज़माने मैंने आपको बताई हैं तो इनको काउंटर करने के लिए यूनिस्ट पार्टी बनाई गई यहाँ पे कांग्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और मुस्लिम लीग का भी इतना स्ट्रांग इतना इन्फ्लुंस नहीं था 1938 में जिना सिकंदर पैक्ट जो हुआ है उसके बाद यहाँ पे मुसल मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस नज़र आया है बाद में वो इलेक्शन भी जीते लेकिन वो मिनिस्ट्री नहीं बना सके तो इसमें तो फिर यहाँ पे जो आप अपने बात की ना हरारी और ये सब और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ना जी जो पंजाबी नेशनलिस्ट यंग जो ब, बचे थे जो कांग्रेस में थे वो डिस दे फेल्ट डिसटिस्फाइड एंड बिट्रेड उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया सही उनमें से काफ़ी लोग जो थे वो एहरार में आ गए फिर वो जो खिलाफत मूवमेंट चली हुई थी खिलाफत के भी जो लोग थे वो भी अहरार में आ गए खाकसार एक अपना आइडियालॉजी लेके चल रहे थे तो देवर रेवोल्यूशनरी इन दैट सेंस और जो अंग्रेज़ को सख्त पसंद है एक वर्ड जो ग्रेटेस्ट फेयर है वो रेवोल्यूशन का है तो जो एहतजाज की एक पॉलिसी थी एक पॉलिटिक्स थी वो यहाँ पे आती है लेकिन आप देखें कि 1940 में भी लॉर रेजोल्यूशन यहाँ से पास हुई करारदार है पाकिस्तान उसके बाद मुस्लिम लीग का इन्फ्लेंस नाइनटीन थर्टी एट और फोटी के बाद यहाँ पे खासा और बहुत सारे यूनियस के लोग थे दे जॉइन मुस्लिम लीग सही सो so, ये जो आ, आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर भी रजिस्टेंस लाहौर की हद तक मौजूद थी एंटी एंटीपेरिस्ट एलिमेंट लाहौर element में पॉलिटिक्स में था पॉलिटिक्स में था आ, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि थर्ड ट्वेंटी थर्ड मार्च की जो लाहौर रेजोलूशन जी वो दरअसल ट्वेंटी बाईस को शुरू हुई थी ट्वेंटी थर्ड को वो करारदार पेश हुई थी जी जी तो उन्नीस मार्च को यहाँ लाहौर शहर में भाटी दरवाजे के अंदर खा सारों पर गोली चली थी जी जिसमें खासी तादाद में वो लोग शहीद हुए थे खा के जख्मी हुए थे ठीक है दे वर एडमिटेड टू मी हॉस्पिटल जब कायद अजम फिर लोगों का ख्याल था कि इतना बड़ा वाक़ पेश आ गया तो अब ये तो नहीं होगा यहाँ पर जलसा नहीं होगा मुस्लिम लीग का तो कायद अजम वन ही केम टू लाहौर ही वेंट टू दी हॉस्पिटल स्टेट वे उन लोगों को पूछने के लिए तो ये लाहौर की पॉलिटिक्स में खाकसार का ये वाका वाक़ जो है ये बहुत अहम है बिल्कुल सही और फिर इसके अलावा आप जानते हैं वो भगत सिंह और जी। जी। उसके जो साथी थे Uh, वो इस कितने एक्टिव थे इस पॉलिटिक्स में एंड भगत सिंह अलॉन्ग विद कंपेनियन देवर हैंड राजगुरु और सुखदेव तो ये ये भी एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स थी हुँ. और uh, मजे की बात है कि जो भगत सिंह है वो मार्क्सिज्म में बड़ा बड़ी दिलचस्पी लेता था जी वो लैनम के वो सॉरी कार्ल मार्क्स के जो uh, थे उसमें वो बड़ी दिलचस्पी लेता था मार्क्सिस्ट Ideological, mm -hmm. both follow the arts. Well, well read, young man, but well read.